नमस्कार, आप सभी को विद्यार्थी दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर यह विचार करने का विषय है कि विद्यार्थी दिन क्यों मनाया जाता है। यह भारत रत्न श्री डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको हम पीपल्स प्रेसिडेंट ऐसा कहते हैं क्योंकि वो इतने लोगों के कम्युनिकेशन में रहते थे, इतना लोगों के टच में रहते थे, उन्होंने एक उनके बारे में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है कि ही क्रिस क्रॉस्ड इंडिया व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट, ही कट डाउन द माउंटेन्स अक्रॉस द डेजर्ट्स एंड ऑल ओवर द कंट्री ही विजिटेड व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट, एंड दैट इज व्हाई ही इज नोन एज द पीपल्स प्रेसिडेंट। Before that, he is his identity is more from the word of missile man of India, and because he is the pioneer of the missile in the country, so he is called as the missile man of India. And in his in his reverence, in his obeisance, in paying respect to him, his birth anniversary is celebrated as the Students Day or Vidyarthi Din. अभी विचार करने का यह विषय है कि विद्यार्थी दिन के उनका जो विजन था, मिशन 2020 या इंडिया 2020, उसके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया और उनमें पांच प्रमुख बातें थी जिनके ऊपर वो फोकस करते थे, और उनमें से एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात थी या घटक था वो मतलब एजुकेशन इन इंडिया, सभी तक शिक्षा पहुंचे। और वो यह बात हमेशा कहते थे जब वो प्रेसिडेंट थे और उसके बाद में भी अपने संपूर्ण जीवन में उस बात को फोकस करते रहे कि इंडिया को अगर, भारत को अगर प्रोग्रेस करना है तो उसकी शिक्षा नीति के ऊपर बल देना चाहिए। और एक और वो बात कहते थे कि भारत को अगर प्रोग्रेस करना है तो उसके विलेजेस को प्रोग्रेस करना जरूरी है। और अब हम देख रहे हैं कि नए नए पॉलिसीज आ रहे हैं जो विलेज सेंटर्ड है, क्योंकि हमारे पास 6.5 लाख विलेजेस है, 6.5 लाख विलेजेस है और केवल 4,000 के करीब कुछ सिटीज है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत को अगर प्रोग्रेस करना है तो विलेज को प्रोग्रेस करना होगा, इसलिए सारी नीतियां विलेज आधारित यानी गांव के आधारित होनी चाहिए। उसी के संदर्भ में हम एक प्रोजेक्ट लाए, लेकिन इसका इस विषय को चर्चा में लाने का क्या कारण था? यह कारण यह था कि सुबह आज उठते ही जब हम व्हाट्सएप पे देखते हैं तो लोगों के स्टेटस है, फेसबुक पे पोस्ट है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इनकी जयंती के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा, ऐसा वैसा सब। लेकिन एक है कि वो जो अपना सारा जीवन ये कहते कहते लोगों को समझाते समझाते प्रेरणा करते करते रह गए कि वी डोंट वॉन्ट ड्रीमर्स, द वर्ल्ड डजंट वॉन्ट जस्ट ड्रीमर्स, द वर्ल्ड वॉन्ट ड्रीमर्स हु वर्क ऑन देयर ड्रीम्स। और वो यह भी कहते थे कि ड्रीम इज समथिंग विच डजंट लेट यू स्लीप, मतलब आप जब सोते हैं जो आपको सपना आता है वो सपना नहीं है, सपने वो है जो आपको सोने न दे, ये आपका सपना है। और इसी सपने के साथ एजुकेशन फॉर ऑल इस मिशन में, स्कूल ऑन व्हील्स इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, रीचिंग द अनरीच, टीचिंग द अनटीच्ड, ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है लेकिन टीचिंग द अनटॉट ऐसा आप बोल सकते हैं। इस हेतु से हम आज विद्यार्थी दिन के निमित्त हमारे ड्रीम पे काम करने के हेतु, अपने संकल्प पे काम करने के हेतु हम आज इसका ब्रोशर शाम को रिलीज करने वाले हैं। हमारे गेस्ट है डॉक्टर वैशम पायन मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हमारे जो मेडिकल कॉलेज है उसके जो डीन है, अभी जो प्रभावी डीन है डॉक्टर जयसवाल मैडम, उनके हाथ से हम इसको रिलीज करना चाहेंगे इस ब्रोशर को। और आने वाले 14 नवंबर 2020 बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित नेहरू जी के जन्म दिवस पर वो मनाया जाता है क्योंकि उनको बच्चे अति प्रिय थे, तो उस दिन इसका लॉन्चिंग होने वाला है। और उसके बाद में जून 2021 से इसका ग्राउंड रियलिटी का काम शुरू हो जाएगा, स्कूल ऑन व्हील्स लिटरली शुरू हो जाएगा। तो कहने का यही मतलब है कि आप भी संकल्प के भागीदार बने, आप भी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए इस कदम में हमारी सहायता करें। सभी को सभी चीज शुरू करना शायद संभव न हो सके, लेकिन अगर कोई उसकी शुरुआत कर रहा है तो हम 100% उसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। केवल आर्थिक रूप से ही मदद होती है ऐसा नहीं है, मदद किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। हमने पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देने के वक्त ये बात बताई थी कि आपके लिए जो चीज अनावश्यक है कदाचित इन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो सकती है। तो इसीलिए अपना नॉलेज, अपना समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि समय और अपना ज्ञान इन तक पहुंचाइए। आपके लिए जो संभव हो उस माध्यम से आप हमें मदद करिए ताकि इन बच्चों तक आपकी बात पहुंच सके और देश हित में हम अपना भागीदार हम बन सके, ये प्रार्थना है। और इस प्रोजेक्ट को आज हम लॉन्च कर रहे हैं, ड्रीम मिशन पे काम कर रहे हैं। हमारा ड्रीम मिशन है 2050 और उसमें बहुत सारी दूसरी चीजें भी है, लेकिन ये है कि एजुकेशन फॉर ऑल इस पर हमको करना है। और 200 साल पहले जब 97% लिटरेसी रेट भारत का था और भारत को सोने की चिड़िया इस नाम से उद्देश्य जाता था, उस स्वर्णिम काल को वापस लेके आना है। और उसका सभी चीज का मूल मूल्य जो है वो मतलब शिक्षा है, शिक्षा सभी के लिए, शिक्षा हमारे देश के लिए। धन्यवाद।